This video is brought to you by the most downloaded Battle Royale game, Free Fire. Pakistan ki international Free Fire team, Team Hotshot, last time Free Fire Pakistan League 2 jeet kar, teen aur teams ke saath Free Fire Asian Championship ke liye qualify kar gayi thi, which really is a proud moment for Pakistan. Ab is Free Fire Asian Championship ka final, is Sunday 28 November ko 3 baje, Free Fire Esports Pakistan ke YouTube channel par live stream hona hai. Free Fire wanted me to spread the word so that you guys can go and support Pakistan's Team Hotshot by watching and participating in the live stream. Channel link mein description mein de raha. परसों यानी 28 नवंबर संडे को 3 बजे लाइव स्ट्रीम देखना ना भूलिएगा। यार आपकी वीडियोस बहुत कमाल होती हैं। मेरा तो पूरा घर आपकी वीडियोस देखता है। अखीर यार ये अब तक की बेस्ट वीडियो थी। शर्म भाई आप तो कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। शर्म भाई नई वीडियो कब आई? लगता है आप अपने YouTube का पासवर्ड भूल गए हो। लेकिन तेरी वीडियोस बहुत कम कम आती है, क्या बात है यार। तू वीडियोस ज्यादा डाला कर वरना लोग तुझे भूल जाएंगे। अबे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था लोगों के पास इतना टाइम नहीं है बैठ के तेरी वीडियोस का इंतजार करेंगे। यार ये तू स्पॉन्सर्स ना डाला कर यार वीडियो। यार ये थोड़ा अपर क्लास के भी कैरेक्टर्स डाला कर, जरा ग्लैमरस किस्म से। हाजी दिलबर वगैरह ना डाल बेटा, अगली वीडियो कब आ रही है? वीडियो कब आ रही है? वीडियो डाल वीडियो डाल, सब्सक्राइब क्या हो गया? देखो चला गया बेटा, ना शुक्री ना करो, खुदा ने जान दी है मेंटेन करना भी करना भी करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गालिबन आज से 4 साल पहले मैंने फैसला किया था कि अब कभी डर की बिना पर नहीं जीऊंगा। खुदा की जात पर ईमान समेत इस जनून की राह पर अकेला निकला था और देखते देखते पूरा काफिला बन गया। मैंने ये तो ठान ली थी कि रब की रजा से अब रुकने वाला तो काम ही नहीं है, किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करूंगा बल्कि इतनी मेहनत करूंगा कि खुद एक ट्रेंड बन जाऊं। और फिर अल्लाह ताला की मदद कुछ यूं हुई कि आप लोगों की सपोर्ट ने मेरे ख्वाबों को हकीकत में तब्दील कर दिया, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का और वसीला बनने पर आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि इस बेलगाम रफ्तार की दौड़ के दौरान आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर सकूं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मेरा काम आप सबको इतना पसंद आए कि आप लोग हर पल मेरी वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करते रहें। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, गो कि आपको ये पता है लेकिन फिर भी दिल हल्का करने के लिए, कि इन सब वीडियोस, कैरेक्टर्स, स्टोरीज और आवाजों के पीछे मैं आज भी एक आम सा इंसान हूँ और हर इंसान की तरह मुझ में भी कमजोरियां हैं। मैं आज भी जब कलम उठाता हूँ तो पहली कोशिश में मुझे वीडियो के लिए अल्फाज नहीं मिलते। आइडियाज भी होते हैं, एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन बस लिखा ही नहीं जाता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पायलट को अचानक से जहाज उड़ाना ही भूल जाए, या फिर एक ऐसा सिंगर जिसे अपनी परफॉर्मेंस के वक्त सुर भूल जाए, वो अपना मुंह खोले तो उसके गले से आवाज ही ना निकले, या फिर इमेजिन करें एक ऐसा फुटबॉलर जो सुबह उठे और उसे चलना ही भूल जाए। यानी आप जिस सलाहियत और हुनर पर डिपेंड कर रहे हो अचानक से वो सलाहियत ही आपसे छिन जाए, फिर आप घंटों बैठे रहो भारी कलम हाथ में थामे खाली सफे के सन्नाटे को तकते, इस इंतजार में कि शायद अब खुदा की जानिब से कोई आमद हो और हाथ रवां हो जाए। 5 मिनट या 5 दिन, नहीं मालूम कि कब ये सलाहियत वापस आएगी। मुझसे लिखा क्यों नहीं जा रहा? कहीं नजर तो नहीं लग गई? आर्ट का यही तो मसला है भाई। शर्म भाई वीडियो कब आई? या कहीं मैं परफेक्शनिज्म का शिकार तो नहीं हो गया? ये आर्ट ब्लॉग कुछ नहीं होता भाई, सब सुस्ती और काम चोरी के बहाने। अरे बाकी यूट्यूबर्स को देखो कैसे धड़ाधड़ वीडियोस डाल रहे हैं। हफ्ता गुजर गया अभी तक स्क्रिप्ट नहीं लिखी। इस बेबसी के आलम में ऐसे और कई सवाल होते हैं जो अंदर और बाहर से उठते हैं और आपकी बेबसी में मजीद इजाफा करते जाते हैं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सारे प्रेशर्स नेचुरल हैं। ऑल ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, और आखिर यही तो मेरा काम है। इट्स अ करियर बाय चॉइस, और वो काम ही क्या जो आसान हो। इंशाल्लाह आज से साल बाद की अजमत और बुलंदियों के चैलेंजेस अलग होंगे, ये प्रेशर्स तो आने जाने हैं। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग का एटलीस्ट ये हक तो बनता है कि आपको पता हो कि आप तक जो मेरी जानिब से कॉन्टेंट पहुँच रहा है वो किन मराहिल से गुजरा है। आपको एटलीस्ट ये पता हो कि मैं हर लम्हे अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा होता हूँ, कि मैं अपने काम के साथ ऑनेस्ट हूँ, कि जो रास्ता मैंने चुना है वो आसान नहीं है, कि कभी कभी मैं दिन में 15 घंटे भी काम कर रहा होता हूँ, कि अक्सर मैं काम में मगन खाना भूल भी जाता हूँ, कि मेरा जुनून और मेरे ख्वाब मुझे रात को सोने नहीं देते, कि जब मैं 2 हफ्तों से ज्यादा के अरसे के लिए गायब हो जाऊँ तो आपको इत्मीनान हो कि शहरम अभी भी अपनी कोशिश में मगन है, और आप ये ना समझो कि मैं अपने यूट्यूब का पासवर्ड भूल गया हूँ। मेरा आगे के लिए आपसे वादा है कि इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा और महीने में 2 वीडियोस तो जरूर अपलोड करूँ, बल्कि इसी वादे के साथ अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह अगली वीडियो। कभी उम्मीदों पर पूरा ना उतरूं, वीडियो लेट आए, स्पॉन्सर से मसला हो, या वीडियो
ही पसंद ना आए, बस समझ जाना कि मैंने कोशिश पूरी की थी। मेरा काम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में कितना ही प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए, मैं कितना ही ग्रो क्यों ना कर जाऊं, मुझे एज अ कंपनी गुमान करने के बजाय हमेशा एज अ दोस्त ही गुमान करना। एक ऐसा दोस्त जिसकी अपनी खामियां हैं और उसे अपनी खामियों से लड़ने के लिए अपने दोस्तों की जरूरत है। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान में एनिमेशन, डिजिटल आर्ट और स्टोरी टेलिंग उरूज तक पहुंचे और इसमें अपनी टाइप के लोगों का एक अहम किरदार हो। जाते जाते फ्री फायर का बहुत शुक्रिया मेरी इस संजीदा वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। आई फील सो मच बेटर आफ्टर शेयरिंग माई साइड ऑफ एक्सपीरियंसेस। जस्ट अ रिमाइंडर, 28 नवंबर यानी परसों 3 बजे फ्री फायर ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर फ्री फायर एशियन चैंपियनशिप का फाइनल लाइव स्ट्रीम होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पाकिस्तान की टीम हॉटशॉट को सपोर्ट करना ना भूलना। इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। मिलता हूँ अगले फ्राइडे एक ऑसम वीडियो के साथ। डू सपोर्ट माई शो फाइनेंशियली ऑन पेट्रियन ओनली इफ यू कैन। पेट्रियन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए शहर हमको इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।